हूँ आप सभी लोग का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो गाइस आज का ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी कृष्ण शास्त्री जी की भागवत पे। तो गाइस ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, बने रहिए इस व्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हमने हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया है और गाड़ी पार्क करने के बाद बस हम पैदल पैदल जा रहे हैं कथा स्थल की ओर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। मैं इसके शॉट्स और कुछ सिनेमेटिक्स लगा दूंगा तो आपको इसका अंदाज हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अभी हम आपको कथा स्थल पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। खैर कथा तो अभी समाप्त हो गई होगी क्योंकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, हमको आते आते यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और गाइस हमारे साथ है हमारे विकास भैया, ये भी यूट्यूबर हैं, इनका चैनल है विकास बाबा व्लॉग्स करके, तो आप इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस भीड़ का अंदाजा आप देख के ही लगा सकते हो। और अभी पानी आने लगा है। गाइस पानी का मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ है, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा काले बादल है और मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ है, बारिश आने लगी है मेरे शहर में, आपको पानी की बूंदें दिख रही होंगी। और यहाँ पे दुकानें, अस्थायी दुकानें भी बहुत सारी लगी हुई है, लोग अपना अपना प्रॉफिट निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि पानी आ रहा है, मैं आगे का वीडियो आपको बाद में दिखाता हूँ कथा स्थल का। तो गाइस अभी पानी गिरने लगा और अभी हम यहीं पे रुक गए हैं एक गाड़ी के पास जहाँ पे पानी झाड़ में, और यहाँ पे एम्बुलेंस फंसी हुई है, यहाँ पे एम्बुलेंस फंस गई है। और देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है, इधर एम्बुलेंस को भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और यहाँ से कम 5 किलोमीटर तक ऐसी लाइन है और पानी बहुत ही ज्यादा तेज है। और भाई आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं, मतलब कि येल्लो पूरा निकल रहे हैं। हाँ देख लिया। और ये देख सकते हो आप एम्बुलेंस को भी यहाँ पे रास्ता नहीं दिया जा रहा, मतलब भीड़ इतनी है कि आप समझ सकते हो कि कितनी। इधर आगे भी 2 एम्बुलेंस और फंसी हुई है और भीड़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। भाई बारिश बहुत ज़्यादा तेज आ रही है और अभी हम छोड़ के 1 घंटे कम से कम यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद जब भीड़ यहाँ से कम हो जाएगी तब हम वहाँ पे जाएंगे कथा स्थल पे। तो बने रहिए ब्लॉग में। ऊपर से जा रहे थे हम, ऊपर पे बहुत ही ज्यादा पब्लिक है तो हम यहाँ पे जंगल वाली रोड से जा रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे देखो आप कैसे कर रहा है, यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर से मरिया मंदिर की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो कैसी झाड़ियाँ लगी हुई है, इतना एडवेंचर भरा सफर। भैया यहीं से मंदिर पहुंच जाएंगे, यहीं से सीधे। अरे भाई गपाई भगत गपाई, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर, पूरा एडवेंचर भरा ब्लॉग है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। बस अभी हम अंदर घुस ही रहे हैं और भैया जय श्री राम शॉर्ट कर लेके हमको अभी यहाँ से आना पड़ा और हमारे हाथ पैर पूरे चल चुके और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिपरी है और हमारे पैर में भी मोच आते आते बच चुकी है। यहाँ पे जैसे सेम केदारनाथ में था ना वैसे ही यहाँ पे पत्थर, लेकिन केदारनाथ में ऐसी फिसलन नहीं थी जैसे कि यहाँ पे है। और देख सकते हो आप अभी हम डायरेक्ट कथा स्थल के पास पहुंचने वाले हैं और सामने आप देख सकते हो पार्किंग है, यहाँ पे सामने पार्किंग एरिया है जी, आपको पार्किंग एरिया दिख रहा होगा, वो दिख रहा कथा स्थल वहाँ पे, मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। इतने झाड़ियों के सफर करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं कथा स्थल पे और कथा स्थल आपको यहाँ से थोड़ी दूर दिखेगा और यहाँ से सिमरिया वाले बड़े हनुमान जी भी दिखाई दे देंगे आपको। और यहाँ पे पार्किंग की आप देख सकते हो, पार्किंग यहाँ पे बहुत ही दूर दूर तक की रखी गई है, यहाँ पे पूरी कार की पार्किंग है और उस तरफ पूरी बाइकों की पार्किंग है। अगर आप यहाँ पे आए तो बहुत ही ज्यादा जल्दी आने की कोशिश करें, नहीं तो आपको पार्किंग भी नसीब नहीं हो सकती। तो गाइस ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, तो मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था कि बागेश्वर बालाजी
के जो परम पूज्य पीठेश्वर धीरेन्द्र सारणी जी, उनको चाहने वाले कितने, उनकी कथा सुनने वाले कितने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे इतनी सारी पार्किंग लगी हुई है, ये ऑलमोस्ट 35 एकड़ के खेत में पूरे पार्किंग का बनाया गया है, इससे ज्यादा भी और पार्किंग लगी हुई है। तो आप देख ही सकते हैं पीछे यहाँ पे कार की पार्किंग कितनी सारी एकड़ में की गई है, पूरे वहाँ चारों तरफ। तो गाइस हम कथास्थल के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, आपको वहां सामने हनुमान जी दिख रहे होंगे, तो वहीं पे हो रही है कथा। और भीड़ यहां पे और भी ज्यादा है और दुकानें भी यहां पे लगी हुई हैं। तो गाइस हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये मंदिर बहुत ही ज्यादा पास है हमारे, बहुत से बहुत 100-200 मीटर दूर, और कथा की आवाज यहाँ से आ रही है। बस हम कथा के पास जा रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि देख सकते हो रोड में कितनी भीड़ है, इधर बहुत ही प्यारी प्यारी दुकानें लगी हुई हैं, लोगों का बहुत ज्यादा जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, और तिलक की कहीं पूजा पाठ की चीजों की दुकानें लगी हुई हैं। वो देख रहे हमारे सिमरिया वाले हनुमान दादा, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। कमेंट पे जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलना भाई। यस हमारी हनुमान मंदिर। तो गाइस हम हनुमान जी की मूर्ति के सामने पहुंच चुके हैं, ये हमारे सिमरिया वाले हनुमान जी महाराज हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है, यहाँ से कथा की आवाज पूरी तरीके से सुनाई दे रही है आपको, बैकग्राउंड में कथा की आवाज सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। ऊपर आप देख सकते हैं जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति के पास बहुत ही ज्यादा भीड़ है, वहां पे खड़े होने की तक जगह नहीं है। और गाइस ये देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा। अभी हम कथा भंडार के अंदर पहुंच चुके हैं और हमारे सामने ही हमारे परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा चल रही है, जो आपको दिखाते हैं। वो बैठे हमारे परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, देख सकते हैं अभी पहले भंडार में क्या भी है। तब इन्होंने किया क्या, तो चीर के सीना अपना श्री राम कदरस कराया। कथा से भी हम आ चुके हैं और कथा का प्रसाद भी हमने ले लिया है। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं खत्म करेंगे। आज हम एक दुकान पे आए थे जहाँ पे हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा था, तो हम भैया की दुकान पे आए, तो भैया ने हमारी बहुत हेल्प की। तो भैया अपनी दुकान का परिचय देंगे। जिया डेली नीड्स भैया की है सिमरिया पे, सिमरिया हनुमान मंदिर जो की छिंदवाड़ा पे है। तो अगर आप यहाँ पे आए तो भैया की दुकान पे आना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को कर लीजिएगा लाइक, चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे आगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।